जय भीम साथियों, मैं हूं सुमित चौहान और द शूद्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी में फिर से हाथरस कांड जैसी दरिंदगी हुई है। यूपी में एक बार फिर से दलित नाबालिग पीड़िता को शिकार बनाया गया है। महज 15 साल की बच्ची को पहले हैवानियत का शिकार बनाया गया और उसके बाद पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया गया। हाथरस के बाद ये घटना यूपी के बुलंदशहर में हुई है। हम आपको पीड़िता का आखिरी बयान भी सुनाएंगे, जिसमें वो अपने साथ हुई दरिंदगी को ना सिर्फ बयां कर रही है बल्कि पानी के लिए तरस रही है और पुलिस उसके बयान दर्ज करने के लिए दबाव डाल रही है। हम आपको वो बयान भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये खबर समझ लीजिए। दरअसल ये मामला यूपी के बुलंदशहर के जहांगीराबाद इलाके का है। 15 अगस्त को जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, उसी दिन इस 15 साल की दलित पीड़िता को हैवानियत का शिकार बनाया गया, इसके साथ रेप किया गया। बुलंदशहर पुलिस का दावा है कि वारदात के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था और आरोपी तभी से जेल में है। 17 नवंबर यानी मंगलवार सुबह 11 बजे पीड़िता को जली हुई हालत में अस्पताल लाया गया था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपियों के परिवार वालों ने मिलकर उनकी बच्ची पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, उसको जिंदा जला दिया। पीड़िता को अस्पताल लाया गया, उसका बयान रिकॉर्ड किया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। आप ये उसका आखिरी बयान सुनिए। और क्लास में एक बोतल पिला देंगे। संजय कौन बिरादरी का था? वो वहाँ गए धामनी के। हाँ। तुम्हारे गांव का नहीं था? अच्छा, तो क्यों आग क्यों लगाई उसने? क्यों लड़ाई थी तुम्हारी? हाँ। क्या पहला केस चल रहा? छेड़छाड़ छेड़छाड़ का पुराना केस चल रहा था। हाँ। उन्हीं से चल रहा था। हाँ। संजय से। संजय के बाप का नाम क्या है? पापा। कौन बिरादरी के वो है? हिजला अहेरिया। तुम कौन बिरादरी हो? जाटा। वो तुम वो अहेरिया है, उन्होंने पहले छेड़छाड़ का तुम्हारे साथ केस करा था। अच्छा, संजय अहेड़िया ने आग लगाई, उसकी बीवी साथ में थी। तुम अपने घर पहुंची थी। तो सुना आपने, पीड़िता कैसे अस्पताल के स्ट्रेचर पर जली हुई हालत में बार बार पानी मांगती है, लेकिन पुलिस वाले उसे पानी नहीं देते बल्कि बार बार अलग अलग सवाल पूछते हैं। पुलिस वाला जब उससे पूछता है कि संजय ने तुम्हें क्यों जलाया, तो पीड़िता कहती है कि कुछ पहले से केस चल रहा था, इसी वजह से उसके साथ ये वारदात को अंजाम दिया गया है। पीड़िता शायद उसी वारदात का जिक्र कर रही है जो 15 अगस्त को उसके साथ हुई थी। पीड़िता के परिवार का आरोप है कि उनकी बच्ची को आरोपी के परिवार वालों ने जलाया, लेकिन पुलिस कह रही है कि बच्ची ने खुद ही अपने आप को आग लगाई थी। आप बुलंदशहर के SSP का बयान सुनिए। देखिए, 15/8/20 को रेप की घटना हुई थी थाना जहांगीराबाद के सिद्ध नगला गांव में, जहां अभियुक्त को तत्समय ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका था और वो अभियुक्त आज की तारीख में भी जेल है। आज जो है संदिग्ध परिस्थितियों में ये वो लड़की जो पीड़िता थी, वो सुबह 8 बजे के आसपास जलने से हॉस्पिटल में आई, बाद में इलाज के लिए दिल्ली भेजी गई जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। परिवारीजनों द्वारा इस संबंध में एक तहरीर दी गई, उसके आधार पर अभियोग थाना जहांगीराबाद में दर्ज कर लिया गया। इस प्रकरण में जो पुलिस की शिथिलता थी, जो आरोप थे, उसके संबंध में कार्रवाई करते हुए हल्के के उप निरीक्षक और हल्के के सिपाही को निलंबित कर दिया गया है, थाना प्रभारी को हटा दिया गया है और संबंधित क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी भी लाइन से संबद्ध कर दिए गए हैं। फिलहाल इस प्रकरण में जो वादी के द्वारा तहरीर दी गई है, उस तहरीर में नामित अभियुक्तों में से 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। सर, वीडियो वायरल हो रहा है सर, उसमें वीडियो में युवती बता रही कि उसने खुद उसने आरोप लगाई थी, क्या पूरा? फिलहाल देखिए, शुरुआती दौर में सुबह करीब 11 बजे तक यही बात थी कि पीड़िता के द्वारा स्वयं जो है आग लगाई गई है, लेकिन परिवारीजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें जलाए जाने की बात कही गई है। हम सारे तथ्यों की गहनता और निष्पक्षता से जांच करेंगे। फिलहाल जो अभियुक्तों की गिरफ्तारी 3 की हो चुकी है, अन्य की गिरफ्तारी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इस मामले में बुलंदशहर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ट्विटर पर लिखा है कि अभियुक्त बनवारी, बदन सिंह, वीर सिंह, जसवंत सिंह और गौतम को थाना जहांगीराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद फिर से वही सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या यूपी में दलित होना अपराध हो गया है? आखिर कब तक दलितों की बहन बेटियों को इस तरह से शिकार बनाया जाता रहेगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली योगी सरकार दलितों की बेटियों को
कब बचाएगी, कब उन्हें सुरक्षित माहौल प्रदान करेगी। ये एक बड़ा सवाल है जो हम सबको सरकार से पूछना चाहिए और सरकार को भी इसका जवाब जरूर देना चाहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं सुमित चौहान और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी आदर्श तिवारी। जय भीम, जय भारत।